नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्टर। मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। मैथिली भाषा हमेशा से ही मिठास के लिए जानी जाती है। यही कारण है कि इसे बढ़ावा देने के लिए इस भाषा में न केवल गीत गाए जाते हैं बल्कि सिनेमा भी बनाए जाते हैं। मैथिली भाषा के प्रचलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब इसका प्रचलन रेलवे द्वारा भी किया जा रहा है। मैथिली की अघोषित राजधानी कही जाने वाली दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर अब इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए विशेष शुरुआत की गई है। इस स्टेशन पर हिंदी अंग्रेजी भाषा के साथ साथ मैथिली में भी उद्घोषणा यानी अनाउंसमेंट शुरू कर दी गई है। दरभंगा भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट किया जा रहा है। मिथिलांचल के दरभंगा स्टेशन पर मैथिली भाषा में रेलवे द्वारा किया गया यह प्रयोग न सिर्फ आम लोगों को भा रहा है बल्कि गांव घर के लोगों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। खासकर वैसे लोगों को इसका जबरदस्त फायदा मिल रहा है जो सिर्फ अपनी लोकल भाषा को ही आसानी से समझ सकते हैं। मैथिली भाषा में उद्घोषणा होने से उन्हें अपनी ट्रेनों की सही जानकारी मिल जाती है और वो आसानी से ट्रेन पर सवार होकर अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान कर जाते हैं। इससे पहले दरभंगा स्टेशन पर कई मैथिली पेंटिंग लगाकर स्टेशन को सजारा सवारा गया था। इसके अलावा बिहार संपर्क क्रांति के सभी कोचों को भी मैथिली पेंटिंग पर सजाया सवारा गया था। अब मिथिला के स्टेशन पर मैथिली में उद्घोषणा से लोग काफी खुश हैं। उनकी माने तो ये हमारी मातृभाषा है और रेलवे के इस प्रयोग से दूर दराज और इसके दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों को भी मैथिली भाषा सुनने और समझने का मौका मिलेगा बल्कि इसका प्रचार और प्रसार भी होगा। स्टेशन के अनाउंसर सोनी झा ने भी बताया कि वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा के साथ साथ मैथिली भाषा में भी लोगों को ट्रेनों के आने जाने की उद्घोषणा करती है। यहां के लोग मैथिली भाषा को ज्यादा बारीकी से समझ और जल्दी समझ जाते हैं। उनको अपनी भाषा में यात्रियों को समझाने में ज्यादा कठिनाई नहीं आती और लोग भी उनसे मैथिली भाषा में ही ट्रेनों की उपस्थिति जानने की इच्छा रखते हैं। इस मामले में जब हमने रेलवे अधिकारियों का पक्ष जानने की कोशिश की तो किसी भी अधिकारी ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।